सिकंदरा से, जहां पर पुलिस थाने पर मानपुर डिप्टी एसपी संतराम मीना ने क्राइम मीटिंग ली हो और वहीं मीटिंग के दौरान थाना प्रभारी कमलेश मीना व सभी एएसआई हेड कांस्टेबल सहित सभी स्टाफ मौजूद रहे हैं और डिप्टी एसपी ने चल रहे थाना क्षेत्र की गतिविधियों और चल रहे मुकदमों की जानकारी ली है। साथ ही क्राइम को लेकर अलर्ट रहने की भी बात कही है। उन्होंने भड़काऊ भाषण व सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों पर नजर रखने और ऐसे लोगों पर तुरंत ही कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि सिकंदरा थाना प्रभारी कमलेश मीना के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसते हुए एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम देने से थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भारत की अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम की सदस्य और जिले की सिलवाला खुर्द गांव की बेटी अल्पना कजाकिस्तान में आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर हनुमानगढ़ लौटी हैं, तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान, एएसपी जस्सर राम बोस, एसीबी एएसपी तेजपाल सिंह, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, तहसीलदार विनोद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम सिंह मान, ओलंपिक संघ के मलकीत सिंह मान समेत अन्य खेल प्रेमी व सिलवाला कुर्द के गणमान्य नागरिकों ने अल्पना का माला पहनाकर स्वागत किया है। और इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अल्पना ने कहा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो कोच बसंत सिंह मान की वजह से हैं। मैं कजाकिस्तान में हुई आयोजित 21वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर आई हूँ। इसका सारा श्रेय मेरे कोच बसंत सिंह मान को जाता है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा तैयार किया। मेरे साथ कविता सुखार, सुखबीर कौर मान, इन्होंने भी मेरे से पहले इंडिया में प्रतिनिधित्व किया है। मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ यहाँ से आगे निकले और हमारे गाँव से, मैं चाहती हूँ कि हमारे कोच और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि और लड़कियां बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया खेलें और हमारे कोच का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम उजागर हो। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे पीआरओ साहब का, रोहित साहब का, तेजपाल जी का, जिन्होंने हमारे को मौका दिया यहाँ लड़की को आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी फेडरेशन को, क्योंकि हाइट बहुत बड़ा काउंट कर रही है। तो जो हमारे रमाभाई जाखड़ हैं इंडिया के सर्वे सर्वा हैं, हमारे अनिल जी चौधरी जो सर्वे सर्वा दो हैं, उनसे मेरी बात हुई, सिलेक्शन के बारे में बात होती रहती है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर भादरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022 के लिए जो फसलों का बीमा किया जा रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को कृषि विभाग के कार्यालय से विधायक बलवान पूनिया, तहसीलदार जय कौशिक व कृषि अधिकारी जय राजपाल झाझुड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। किसानों को बीमा के लिए जागरूक करने के लिए यह रथ भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों एवं ग्राम पंचायतों में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जानकारी देगा। किसानों को उसके बारे में अवगत कराएगा कि किस प्रकार से बीमा करवाना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की आपदा में बीमा का लाभ मिलेगा, इसको किसानों को जानकारी इसकी दी जाएगी।